अभी पास्ट वीकेंड की बात है, 2018 मिस्टर ओलंपिया शॉन रोडन, उनका देहांत हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनके और उनके परिवार को भगवान इस मुश्किल वक्त में इतनी हिम्मत दे ताकि इस जो ये लॉस हुआ उनको, उससे वो आगे मूव कर सके। ओम शांति। शॉन रोडन के जो कोच हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, इफ नॉट रॉन्ग, वो क्रिस सीटो इज अ टॉप बॉडी बिल्डिंग कोच, लाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। कुछ टाइम पहले मुझे थ्रू वन ऑफ माई कॉन्टैक्ट्स एक चीज देखने को मिली थी, जो ये लोग जैसे क्रिस सीटो हो गए, हनी रामबॉर्ड जो कि फिलीथ के कोच थे, टॉप बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, हादी चुपन के भी कोच हैं, ये जो जो बॉडी बिल्डिंग कोचेज हैं, इनके साइकिल्स देखने का मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। और साइकिल देखने के बाद में एक चीज मुझे समझ आ गई थी, वो ये थी कि ये लोग स्पेशलाइज करते हैं बेस्ट लुकिंग बॉडीज स्टेज पे लाने के लिए, लेकिन उसमें अगर हेल्थ सफर होती है तो वो मैटर नहीं करता। अगर ऐसा होता तो जिस टाइम पे करंट मिस्टर ओलंपिया हैं बिग रामी, उनके कोच हैं चार्ड निकल्स रॉनी कॉलमन के भी कोच थे, लेकिन शायद आप में से काफी सारी ऑडियंस को पता ना हो, एक बड़े अपकमिंग बॉडी बिल्डर थे डैलस मकावर, और डैलस मकावर के कोच भी चार्ड निकल्स थे। डैलस मकावर 28 ईयर्स के थे एंड ही ड्रॉप डेड, और जब उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई वो बहुत ही हॉरिफाइंग थी। एनलार्ज्ड हार्ट, लीवर में ट्यूमर, कैसे होते हैं? चिकन ब्रोकली वे प्रोटीन से तो होंगे नहीं, यू ऑल नो कैसे होगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नो मैटर आपके बॉडी बिल्डिंग कोच कोई भी हैं, आपकी हेल्थ का जो ध्यान है वो आपको खुद ही रखना होगा। तो आज पहली बार इस चैनल पे मैं ड्रग से बात करूंगा, क्योंकि एज मच एज आई हेट कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि इतनी रिस्की है, उससे ज़्यादा मुझे जो नापसंद चीज़ है वो ये है कि कुछ सिंपल प्रिकॉशंस रख के हर कोई सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बचा सकता है। अब जैसे जब भी हमने यूट्यूब फीड देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ कोई एक नया यूट्यूबर एक्चुअली कम्पीट कर रहा है शुरू क्लासिक में या एमेच्योर ओलंपिया में, आई अप्रिशिएट द स्पिरिट, लेकिन एक चीज समझो कि ये जो सारी कंपेरेटिव साइड ऑफ थिंग्स हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो आज की हमारी वीडियो है ये है, सबसे पहले एक अपील होगी, एक मैसेज है अभिषेक, तरुण और रोहित के लिए, और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, ना सिर्फ इनके लिए लेकिन बहुत सारे कम्पीटिंग बॉडी बिल्डर्स के लिए। ये सेगमेंट आप जरूर देखें, आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगी। आज मैसेज है ये वीडियो एक और हमारे पेरेंट्स के लिए भी है, उसके बाद ये वीडियो है नेचुरल्स के लिए, ये जनता ना नेचुरल्स, आप तो ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए वीडियो में बहुत सारी वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं होगी ना तो वीडियो खत्म करने के बाद मैं एक नीचे गाली लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इसमें आपको बहुत सारी वैल्यू मिलेगी। और ये वीडियो है डॉक्टर्स के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सोशल मीडिया स्टार्स तरुण, अभिषेक और रोहित, इनसे शुरू करते हैं। और ये मतलब ये मैं एड्रेस कर रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे इस टाइम पे यूट्यूब बॉडी बिल्डर्स हैं जिनकी काफी सारी ऑडियंस है, जिनको लोग देख के इंस्पायर होते हैं। मैं आपसे दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ, दिस इज फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव, आई लव योर कंटेंट। आप तीनों की बहुत ही कमाल की फिजिक्स हैं, यू गाइज लुक ऑसम, लेकिन आप एक चीज कभी मत करिएगा, अपना एग्जैक्ट साइकिल कभी नहीं बताना। मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ, मैं हर रोज बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, बहुत से लोगों से बात करता हूँ, और ये चीज बहुत कॉमन होती है एटलीस्ट 19-20-21 साल के लोंडों में, कि जो साइकिल अगर कहीं दिख गया एग्जैक्टली कॉपी कीजिए। तो आप आई अंडरस्टैंड कि आप एटलीस्ट ये बताते हैं कि योर ओन स्टफ, जिससे किसी को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना हो, लेकिन साइकिल अपना प्लीज कभी रिवील मत कीजिएगा, लाइक नेवर एवर। और एक और पार्ट देखो, अभी क्या हो रहा है, जितने ये लड़के आपको देख रहे हैं उनको लग रहा है कि स्टेरॉइड्स लो और ऐसी बॉडीज पालो, मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं कि आप लोगों की वर्क एथिक क्या है, ट्रेनिंग है, डाइट है, ये सब चीजें वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं स्टेरॉइड्स लो ऐसी बॉडी बन जाए। मैं चाहता हूँ एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस, एक वीडियो अगर आप बता सको कि आपके साइड इफेक्ट्स क्या है, लाइक प्रॉपर डिटेल में, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ ऐसा, प्रॉपर डिटेल में चाहता हूँ अगर आप हो सके, क्योंकि आपकी फिजिक डिटेल में सबको दिख रही है, लाइक हाउ ग्रेट योर बाइसेप्स आर, हाउ लीन यू आर, हाउ मस्कुलर यू आर। तो अगर ऐसी वीडियो जिसमें आप बता सको कि साइड इफेक्ट्स क्या है, तो इन लड़कों के लिए या मैक्सिमम जो आपकी ऑडियंस है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि बॉडी बिल्डिंग की ये साइड भी है, उसके बाद कोई भी आई गेस एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उनको आगे कुछ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अब सबसे पहले पेरेंट्स के लिए मैसेज, ये जो सारे बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है, शॉन रोडन की डेथ हुई, ये वे प्रोटीन से नहीं होती सर, ये स्टेरॉइड से कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। अगर आपके बच्चे वे प्रोटीन लेते हैं, लेट्स से किसी अच्छे स्टोर से, जैसे लेट्स से हेल्थ कार्ट इज अ वेरी रिलायबल स्टोर, और भी कुछ दो तीन है, हाँ लोकल कहीं जिम से लेते हैं वो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ऐसे नकली बेचते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। लेकिन व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज प्रोटीनेक्स, जो कि डॉक्टर्स हमें बहुत टाइम से चिपकाते आ रहे हैं, प्रोटीनेक्स से बहुत ज्यादा बेटर चीज वे प्रोटीन है किसी ब्रांड का, मोस्टली इंडियन ब्रांड्स आई हाईली प्रेफर। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग्स की, जो कि हर एक कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर, आप यूट्यूबर है कि फुल टाइम बॉडी बिल्डर है, कुछ भी है, ये आपके स्टैक में होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा सबसे जो कॉमन चीज है जिससे रिसेंटली डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक है, तो हम हार्ट से शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है बेचारा। जब भी आप स्टेरॉइड्स लेना शुरू करोगे तो सबसे पहले जो आपके लिपिड पैरामीटर है वो खराब होने शुरू होंगे, ये कि
ये अपने आप में एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो HDL आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल, LDL आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो जो HDL है वो कम होता जाएगा, LDL आपका ज्यादा होता जाएगा, तो इससे क्या होता है कि जो ब्लॉकेज है वो उसके होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। देखो मैं देखता हूँ मैक्सिमम कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर जो है उनका जो प्रिवेंशन स्टैक है वो सप्लीमेंट्स का होता है। सप्लीमेंट्स तब काम करते हैं अगर आप कंप्लीटली नेचुरल, ऐसे नहीं कि वैसे काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर इफ यू आर इन अ गुड, एक अच्छा खासा साइकिल, जैसे अगर प्री कॉन्टेस्ट साइकिल है या एक अच्छा मास गेनिंग साइकिल है, सप्लीमेंट से कुछ खास होगा नहीं, आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेंगी। तो जो पहली मेडिसिन आई रिकमेंड इज, अगेन पहले मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ देना बहुत जरूरी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ये जो इन्फॉर्मेशन इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेज ओनली, और ये जो मेडिसिन के नाम बोलूंगा, ये कैटेगरी मेडिसिन की बोलूंगा, टॉक टू योर डॉक्टर ताकि प्रिस्क्रिप्शन लिख सके और आपको मॉनिटर कर सके। तो पहली जो मेडिसिन है जो खासकर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए है वो है एज़िटामाइड। और जो लोग नेचुरल हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको मेडिसिन देने की कोई जरूरत नहीं, आराम से डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो सकते। तो एज़िटामाइड 5 mg के आसपास आती है, 6.5 रुपए की टैबलेट है जो कि आप आराम से कहीं से भी ले सकते हैं। अगर इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता तो आप स्टैटिन्स पे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेडिसिन के बारे में आपकी फिलॉसफी होनी चाहिए कि वीके सबसे पहले चूज करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हायर्स पे जाएं, क्योंकि जैसे आपकी मेडिसिन पोर्टेंट होती जाएगी उसके साइड इफेक्ट्स भी पोर्टेंट होते जाएंगे। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन बहुत बहुत जरूरी है। एक आपको मैं चीज बताता हूं, मैं हमेशा एक बात करता हूं एक पर्टिकुलर पार्ट की, कि जब भी कंपेटिटिव बॉडी बिल्डर्स, खासकर आप हाई लेवल बॉडी बिल्डर है, तो एक स्कैन होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम आर्टरी स्कैन, आई गेस कैल्शियम आर्टरी स्कोर, एक हार्ट स्कैन होता है, नीचे एग्जैक्ट नाम नहीं पता क्या होता है। इससे आपको अपनी ब्लॉकेज का आइडिया हो जाएगा, ये चीज भी बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके ब्लड टेस्ट में ना आए, नॉर्मल ब्लड टेस्ट में ना आए, लेकिन ये एडवांस टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट को आपको ठीक रखना इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये आपका स्कोर पता होना चाहिए और एक टाइप की कोलेस्ट्रोलोविक मेडिकेशन। अगर दूसरा पार्ट, अगर आप एक कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर है, आपको हर रोज अपना बीपी मॉनिटर करना है, लाइक एवरी डे। और बड़े सारे लोगों को एक बीपी की मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, लेकिन बीपी की मेडिकेशन ऐसे नहीं ली जाती यार कि भैया एक बीपी की मेडिकेशन देना। आपको देखना होगा कि किस किस टाइप की बीपी की मेडिकेशंस होती हैं। सबसे पहले कैटेगरी है ARBs बोलते हैं, एंजियोस्टीन रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलते हैं। एंजियोस्टीन एक हार्मोन होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन में हेल्प करता है, ये सब चीजें। अगर आप एक ARB लेंगे तो ARB बेसिकली उस इस हार्मोन के फंक्शन को रोकेगा और आपके ब्लड प्रेशर लोअर करने में हेल्प करेगा। टेलीमेस्टेन, आई गेस मुझे ये मेडिसिन के नाम उन्हें याद नहीं रहते अच्छे से क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन हाँ टेलीमेसार्टेन मैं नाम लिख दूंगा यहाँ पे, ये एक अच्छी ARB है। लेकिन अगर ARB से काम नहीं बनता तो एक नेक्स्ट कैटेगरी है ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस की, उनको बोलते हैं ACE इनहिबिटर्स। तो ACE बेसिकली क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने अभी बात की टेलीमेसार्टेन जो है ये हार्मोन है जो ऐसा काम करता है, इसको अगर इसको रिलीज ही नहीं होने देते इस हार्मोन को, तो वो एक्चुअली एक ACE इनहिबिटर का काम करता है। अब जो दूसरी मेडिकेशन होती है उसे ACE इनहिबिटर बोलते हैं, जैसे मैंने एंजिस्टिन की बात की, तो ACE इनहिबिटर क्या करते हैं, एक एंजाइम को इस हार्मोन को बनाने से ही रोक देते हैं, तो ये थोड़ी ज़्यादा पोटेंट मेडिकेशन होती है। तो एक कॉमन एग्जांपल इसका जो है ACE इनहिबिटर का वो रैमिप्राइड है, तो अगेन ये भी बहुत आराम से मिल जाती है, बहुत महंगी मेडिकेशन ये बिल्कुल। अब एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, वो होती है हार्ट एनलार्जमेंट, क्योंकि ये परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स का एक बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट होता है। एक चीज़ और होती है उसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इससे क्या होता है कि आपके हार्ट का एक जो पार्ट होता है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, जिससे पंपिंग में दिक्कत होती है। प्री कॉन्टेस्ट साइकिल में विनस्ट्रॉल बहुत कॉमन होती है, थायराइड हार्मोन बहुत कॉमन होता है, या फिर इवन आप एक बड़ा पोटेंट फैट बर्नर यूज़ करते हैं, आपने देखा है आपकी हार्ट रेट बहुत अप हो जाती है, खासकर विनस्ट्रॉल शेक्स जो हैं वो तो बड़े कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर इतनी तेज़ हार्ट रेट है जितनी वो होनी नहीं चाहिए, व्हाट डू यू थिंक हार्ट के शेप पे होगा क्या, हार्ट के साइज पे क्या होगा, हार्ट एनलार्जमेंट होती है। तो हार्ट एनलार्जमेंट एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, फ्यूचर में जाके आपको हार्ट अटैक उससे आराम से हो सकता है। तो अगर ये चीज रोकनी है तो एक मेडिसिन है, उन्हें बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो देखिए क्लास ऑफ मेडिकेशन है एक्चुअली बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स में जो एक मेडिसिन है उसको बोलते हैं नेवीवॉल, और ये क्या करती है, मोस्टली लोग पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, ताकि अगर लेट्स से अपने प्री वर्कआउट में यू टेकन डायनाबॉल या फिर आई गेस एक बड़ा पोटेंट फैट बर्नर लिया है, या इवन अगर आपने बहुत सारी कैफीन या एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिया बहुत, जो आपकी हार्ट रेट बहुत तेज करता है इवन फॉर द नेचुरल गाइस, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसको नीचे कैसे करें, तो ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये उस मेडिसिन से काम आती है। इसलिए रेगुलरली जो स्टिमुलेंट्स लेना जो आपकी हार्ट रेट बहुत ऊपर कर देते हैं, इट कैन बी वेरी डिटरमेंटल फॉर योर हार्ट हेल्थ। लेकिन अगर इस टाइप की चीज रेगुलर लेते हो तो वो जो खासकर नेवीवॉल जो है ये पॉजिटिव हार्ट रिमॉडलिंग में एसोसिएट की गई है, सो इट्स अ गुड थिंग। अब जो चौथी चीज है वो है एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स। अब ये तो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं लेकिन बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। देखिए पहले आपको जानना होगा कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स करते क्या है। एस्ट्रोजन ब्लॉकर्स ब्रेस्ट कैंसर मेडिकेशन है, ठीक है, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर मेडिकेशन। जब भी लोग एस्ट्रोजन की बात करते
हैं, कहते हैं खत्म कर दो ईस्ट्रोजन को, मार दो, एज ईस्ट्रोजन सम डेविल। अगर आपके सबसे पहले साइकिल डिजाइन में ऐसा होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन ब्लॉकर की यूसेज ना पड़े, और एक इंटेलिजेंट साइकिल में ऐसा जरूर होता है कि आप एक अच्छा साइकिल चला सकते हो लेकिन ईस्ट्रोजन ब्लॉकर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर यूज कर भी रहे हो तो सबसे कम पोटेंसी का यूज कीजिए। लोग लेट्रोजोल यूज करते हैं एकदम, जिससे जो आपका ईस्ट्रोजन है एकदम खत्म हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो होगा तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ईस्ट्रोजन है जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, मतलब आपके दिमाग और आपके हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए ईस्ट्रोजन लेवल्स में होना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी आपको लगे कि हाई ईस्ट्रोजन के साइंस हैं तो देखिए पहले ब्लड वर्क करा के ईस्ट्रोजन है कितना, उसके बाद डोसेज सिलेक्ट कीजिए। रैंडम डोसेज मत सिलेक्ट कीजिए कि साइकिल शुरू किया तो ईस्ट्रोजन साथ में लेना, ऐसा नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप देखें ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ था साहिल खान और मनोज पाटिल वाला, जिसमें ये सारे परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स आए, इसमें मेरे ख्याल से कुछ पेप्टाइड्स जो दिए गए थे, कितनी गंदी हालत में थे। और ये चीज बहुत कॉमन है कि अंडरग्राउंड लैब्स के जो प्रॉपर हाइजीनिक चीजें नहीं होती, कुछ नहीं होती। लेट्स से आप रात को आपने इंजेक्शन लगाया और आपको एक एलर्जी हो गई, इन्फेक्शन हो गई, तो इसलिए एंटीबायोटिक्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रात को कहाँ डॉक्टर देखने जाओगे एकदम, या कुछ कहीं दूर रहते हो, कुछ एंटीबायोटिक्स साथ में हो, कोई भी किसी टाइप की 500 मिलीग्राम चाहिए या 1000 मिलीग्राम के आसपास एंटीबायोटिक दो हफ्ते के लिए, अगेन कंसल्ट डॉक्टर ऑन दिस, ये चीज आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है जो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके स्टैक में नहीं है तो आप बहुत डेंजरसली खेल रहे हो, और खासकर जैसे आपका अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है तो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। आपको बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत है। अब मैं डॉक्टर्स की बात करता हूँ। डॉक्टर के साथ में प्रॉब्लम सारों के साथ नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन काफी सारों के साथ, अरे मैक्सिमम लोग तो ये बोलते हैं कि वे प्रोटीन इज हार्मफुल, प्रोटीन एक्स इज गुड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि कभी कोई बॉडी बिल्डर आपके पास आता है और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टफ, तो डिसमिस मत कीजिए उस चीज को, क्योंकि उसने साइकिल चलाना ही चलाना। अगर आप हेल्प करेंगे, क्योंकि यू एज अ डॉक्टर आप बायोलॉजी साइकोलॉजी बॉडी की दिमाग की पूरे सिस्टम की ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, हार्मोन ज्यादा बढ़िया समझते हैं, तो प्लीज हेल्प बॉडी बिल्डर्स। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना, अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे इन लोगों की, तो जो लोग इनका साइकिल डिजाइन कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो वे प्रोटीन के साथ BCAA कहते हैं नहीं लिया तो आपके मसल नहीं बनेंगे। कैन यू इमेजिन अगर ऐसे लोग साइकिल डिजाइन कर रहे हैं जहां पे एक आपको बॉडी के सारे इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स हार्मोन पाथवेज या फिर आपके सारे फंक्शनैलिटीज का पता होना चाहिए, वो कैसे साइकिल डिजाइन करेंगे। सो प्लीज डू दिस। मतलब अगर आपको नहीं पता, देखो जस्ट बिकॉज यू आर डॉक्टर ये नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि आपको सब पता हो। हर रोज नई स्टडीज रिलीज होती हैं, जैसे स्टडीज की बात करता हूं अभी, तो अभी अगर किडनी प्रोटेक्शन की बात करूं तो देयर इज क्लास ऑफ मेडिकेशन, इनको बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, ये मोस्टली डायबिटिक के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये किडनी प्रोटेक्शन के काम भी आती है, और ये बहुत रिसेंटली मैं स्टडीज देखी थी इसको लेके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टडीज के बाद ही आएगी। तो रीड योर स्टडीज और हेल्प बॉडी बिल्डर्स, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, एक नॉलेजेबल इंसान हेल्प करेगा, तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ सिचुएशंस बचा सकते हैं। अब बात आपकी नेचुरल्स की, जो कि आई गेस गूगल पे सर्च ही करते हैं कि फर्स्ट साइकिल रिजल्ट्स, फर्स्ट साइकिल साइड इफेक्ट, फर्स्ट साइकिल क्या होना चाहिए, बॉडी कितने टाइम में बन जाएगी। ये जो मैंने सारी लिस्ट बताई ना, इतनी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये बहुत बेर मिनिमम है। आई मीन साइकिल डिजाइन की तो बात की नहीं, तो क्या आपको लगता है आपके पास इतना टाइम रिसोर्सेज पैसा है कि आप इसको मैनेज कर सकते हो? क्योंकि ये जो मैंने पिक्चर पेंट किया, मैं फ्यूचर में एक और वीडियो और बनाऊंगा ताकि आपको पूरा आइडिया लगे कि होता क्या, व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली कम्पीट इन अ बॉडी बिल्डिंग शो, कितनी चीजें कितनी वेरिएबल्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने वेरिएबल्स मैनेज कर सकते हो तो गो फॉर इट, लेकिन अगर नहीं लगता तो दूर रहिए। अभी रिसेंटली ये कुछ साल में जिस पॉपुलर हुई है इस टर्म को, इसे बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिया। पहले ये लोग फीमेल मॉडल्स को बहुत होता था, उसमें क्या होता था, उनको लगता था कि वो मोटी हैं तो वो बहुत स्किनी हो जाती थी, एनोरेक्सिक हो जाती थी। लेकिन अब ये लड़कों को होता है कि नो मैटर हाउ बिग द गेट, खासकर बॉडी बिल्डर्स में, उनको लगता है कि और साइज डालने की जरूरत है, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। तो ये प्रॉब्लम एक साइकोलॉजिकल है, फिजिकल नहीं। तो अंडरस्टैंड कि इट्स माइंड प्लेइंग गेम्स विद यू। और एक और चीज, एक और क्लास ऑफ मेडिकेशन में भूल गया, उनको बोलते हैं SSRIs। अभी जब शॉन रोडन पास्ट हुए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है, कुछ है सुसाइड की बात, पता क्यों? हम सारे ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, AAS बोलते हैं पूरा नाम इनका, मतलब एंड्रोजन बेसिकली क्या होता है, जो आपके मेल सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जो इनके रिसेप्टर साइट्स होती हैं, सिर्फ आपके मसल्स में नहीं होती, आपके दिमाग में भी होती हैं। दैट्स व्हाई पीपल फील अमेजिंग ऑन अ स्टेरॉइड साइकिल, क्योंकि मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन जब साइकिल गया दे फील डिप्रेस्ड। तो उस केस में एंटी डिप्रेशन एक्चुअली दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इनको SSRIs। तो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी वैल्यू मिली होगी। इन केस यू लाइक टू गिव द थम्स अप, थम्स डाउन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।